नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आरजे और आज हम सीखेंगे योगासन। कल हमने प्राणायाम सीखे थे, आज हम देखेंगे योगासन। तो योगासन का क्या है, ये एक सीक्वेंस होता है। तो मेरा सीक्वेंस ये रहता है कि मैं पहले शीर्षासन करता हूँ, उसके बाद में थोड़ा वार्म अप कर लेता हूँ, हाथ की मूवमेंट, थोड़ी पैरों की मूवमेंट, ये थोड़ी गर्दन घुमा लेना। उसके बाद में मैं चक्रासन करता हूँ, उसके बाद में फिर हलासन, उसके बाद में मरकटासन, उसके बाद में मयूरासन और इस तरह से फिर आखिरी में शवासन। तो कुछ आसन मैं एक्स्ट्रा करूँगा आज, जैसे कि धनुरासन और सर्वांगासन, ठीक है। और आप इसे योगासन का क्या है, प्राणायाम अलग है और योगासन अलग है, ठीक है। तो आपको योगासन धीरे धीरे करना है। अगर कोई हाथ पैर टूटे हुआ व्यक्ति है या हार्ट का पेशेंट या कोई बड़ा ऑपरेशन वाला है, तो उन्हें धीरे से करना है। या फिर कुछ कुछ आसन बहुत हार्ड है, वो उन्हें अवॉइड करने, उन्हें टाल देने, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे शीर्षासन से, ठीक है। तो शीर्षासन आप दो पद्धति से कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह से हाथ रखकर सर यहाँ रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, या फिर आप इस तरह से अपने हाथों की हाथों को जोड़ लें अपने, और अपने हाथों को जोड़कर आप ऐसे रख सकते हैं, सर यहाँ पर रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाना है। तो ये जो पद्धति है, ये थोड़ी नए लोगों के लिए हार्ड है। तो नए लोगों को मेरे हिसाब से ये ट्राई करना चाहिए शुरुआत के दिनों में, क्योंकि इससे ज़्यादा बैलेंस आता है, ठीक है। अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो आपको दीवार का सहारा लेके करना है, ठीक है। यानी कि दीवार को हम सपोर्ट लेते हैं, दीवार का हमें सपोर्ट मिलता है और हम ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले इस तरह से करके दिखा रहा हूँ। दोनों पैर ऊपर नहीं जा रहे तो पहले एक पैर ऊपर लीजिए, दूसरा लीजिए और इस तरह से यहाँ तक आप आ गए तो आपको पैर इस तरह से ऊपर ले लेंगे। उसके बाद में धीरे से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर इस तरह से आपको रख लेंगे, ठीक है। आप इस तरह से आप कर सकते हो कीजिए, और आप हाथों की हाथों को घूम कर, दोनों हाथों को जोड़कर आप कर सकते हो, ये तो और भी बढ़िया है, ठीक है। ये तो मतलब एक उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंस रहता है, लेकिन वो नए लोगों के लिए थोड़ा हार्ड है। तो फिर भी आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको फिर इसे करके बताता हूँ। पैरों को धीरे से ऊपर लेना है, आप जंप मारकर भी ले सकते हैं या फिर धीरे से लेना है, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर ले जाना है आपके पैरों में। इस तरह से आपको एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट, आप जब तक रहना चाहते हो आप रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये शीर्षासन होगा। अब आप शीर्षासन अगर सीख गए हैं तो शीर्षासन की अगली पायरी या फिर अगली स्टेज है, वो है वृश्चिकासन।